को समझ सकते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए वो सब एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमारे हम लोगों में कम्युनिकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुजन आसान खाली एक्शन हाँ, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उससे आपको सारा समझ नहीं आएगा, जब तक कि ना मैं बोलूंगी तब जाके आपको सारा कुछ समझ आएगा। आप समझ रहे मेरी बात? यस मैम। कम्युनिकेशन क्लोज जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बात करती हूँ, अपने थॉट्स शेयर करती हूँ, अपने प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तब जाके वो मेरे क्लोज बनते हैं। देखो जब हम पहले स्कूल में आते हैं हमारी कोई फ्रेंड नहीं होती है, जब तक ना हम किसी से बात करेंगे, किसी को अपना कुछ मतलब जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम होगी या मतलब कोई भी मसला स्टडीज में होगा या कोई और प्रॉब्लम होगी, वो हम अपने उस इंसान के साथ शेयर करते हैं जो हमारे फ्रेंड बनता है उसके बावजूद स्कूल में। इसलिए कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, एक दूसरे के साथ थॉट्स शेयर करना, एक दूसरे का सुनना, जब तक ना हम कम्युनिकेशन करेंगे तब तक ये सारा ठीक नहीं होगा। बात कुछ और कम्युनिकेशन को डिफरेंट पार्ट आसान गणित कम्युनिकेशन त्रे पार्ट आसान ट्रांसमिटिंग लिसनिंग एंड फीडबैक। Transmitting, the sender transmits the message through one medium or another medium. Taban use the transmitter asan jis message send karan taban so she yaad ek way karan na ke beki way karan but use effort chahiye listening karne ki ka सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है लिसन करना, तब जाके आप फीडबैक दे सकते हो। देखो अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे मतलब समझोगे नहीं है क्या मुझे बोल रही है, जब फिर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगी आपको पता ही नहीं होगा ये इसने क्या बोला हमें या कुछ नहीं कुछ समझ नहीं आया होगा या कुछ और। देखो जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहां पे मुझे बताना, यहाँ समझ नहीं आ रहा है। देखो सबसे बड़ी बात लिसनिंग होती है, लिसनिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक ना आप सुनोगे, जब तक ना आप अच्छे से ध्यान दोगे ये क्या बोल रहे, तब जाके आप क्या दोगे वहां से रेस्पॉन्ड, तब तक आप कोई रेस्पॉन्ड नहीं दोगे। क्योंकि जब आपको समझ नहीं आया होगा आप बोलोगे क्या मुझे, सही बात है ना। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स कौन कौन से कम्युनिकेशन के होते हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। ये होते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो हम हाथ से लिख सकते हैं या अपने एक्शन